हम बैठे हुए हैं आज, हालत फुल डाउन है। यस, फुल डाउन है हालत, तबीयत थोड़ी सी डाउन है और गलत टाइम पे जो है वो तबीयत डाउन हुई है। फीवर है बहुत ज्यादा और लास्ट क्या बस चल रहा है और इस बार भी दो दो एक्ट हैं तो बस अभी सब लगे हुए हैं। बस सबकी बस यही कोशिश है कि अच्छे से अच्छे लास्ट में परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें एंड उसके बाद फिर जो भी नतीजा होगा वो आप सबके ऊपर होगा कि आप किसको ज़्यादा प्यार देते हैं और किसको इस झलक दिखला जा सीजन 11 का जो है वो विनर बनाते हैं। लेकिन आज का जो एपिसोड है और आज का जो एक्ट होने वाला है, आई थिंक वो आपकी जर्नी का हम दोनों के लिए सबसे स्पेशल होगा। मैं पहले भी यही बोल रही थी। हाँ, सबसे स्पेशल एक्ट है, मतलब दिल के सबसे करीब, जो सबसे करीब जो है वो ये वाला परफॉर्मेंस। ऐसे तो पूरा सीजन ही दिल के करीब है लेकिन ये जो आज परफॉर्मेंस जो है वो टेलीकास्ट होने वाला है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल रहेगा क्योंकि इसमें एक पर्सनल जो है वो टच है। तो सब इस बार फैमिली वीक है तो सब अपने फैमिली के किसी न किसी मेंबर को ये एक्ट डेडिकेट कर रहे हैं, उनके साथ में कर रहे हैं, चीज़ें कर रही हैं। और इस बार ऐसा था कि फैमिली का जो मेंबर है वो भी स्टेज पे आके थोड़ा सा परफॉर्म करेगा। तो हमारा जो एक्ट है इस बार वो है रूहान पे, रूहान की, रूहान का यू नो बर्थ कैसी हुई, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस थे पूरी प्रेगनेंसी में, चीज़ों में एंड पूरी वो बहुत ही खूबसूरती से अनु, एजे और तुषार ने उसको पूरा कोरियोग्राफ किया है, कॉन्सेप्चुलाइज किया है कि किस तरह। जैसे ही दीपिका शो इब्राहिम वोट के लिए अपील करते हैं अपने फैन से, तभी उनके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम शुएब को क्यों वोट करें। हम आपको वो कमेंट्स दिखाने वाले हैं जो लोगों का कहना है। चलिए डालते हैं एक नज़र उन कमेंट्स पर। क्यों करूं शुएब को सपोर्ट, कभी तुम लोग ही बोलते थे कि हम लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीडियो देखें या न देखें। दूसरे यूजर लिखते हैं, इस फैमिली का नेम इब्राहिम फैमिली नहीं मतलबी फैमिली होना चाहिए था। वोट के लिए प्लीज प्लीज, और उसके बाद मेरा लेवल यहाँ तक है, IPTU गाइस। नेक्स्ट यूजर ने लिखा, तुमने ही कहा था ना कि नहीं चाहिए, आपका कजन जस्ट गेट लॉस्ट टू ऑडियंस, अब बस भीख ही मांगती रहती हो, भिकारन अमर अकबर एंथनी। तो हम आपको बता देते हैं, दीपिका शेब उनसे अपने लिए वोटिंग की अपील कर रहे हैं, जो उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। इस दुनिया में एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। कहते हैं ना कि एक बार को राजा को भी फकीर की जरूरत पड़ जाती है। और जो फैंस शुएब को यहाँ तक लेकर आए हैं तो वो है उनके चाहने वाले, जो उनकी मेहनत को देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शुएब काफी मेहनत कर रहे हैं। और शुएब जिस तरह से झलक दिखला जा में एक से पढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसे ही देखते हुए हमें वोट करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो दीपिका शेप को पसंद नहीं करते। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग कहेंगे तो उन्हें वोट नहीं करें। हमें जो सामने से दिखाई देता है हम उसे ही देखते हुए वोट करेंगे। और रही बात जो लोग पसंद नहीं करते, तो उन्हें कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है। अगर शेप की किस्मत में झलक दिखलाजा का विनर बनना लिखा है तो कोई भी नहीं रोक सकता, वो बन कर रहेंगे। अगर किस्मत में नहीं है तो कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं बन सकते। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि शुएब की मेहनत जरूर रंग लाएगी। और आपसे फिर से हम यही कहना चाहते हैं कि अपना कीमती वोट देकर शुएब इब्राहिम को फिनाले तक ले जाएं। आज रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन खुली हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि सैटरडे संडे दो दिन खुली हुई है इस वीक। संडे में भी आप 12 बजे तक शुएब इब्राहिम को आप वोट दे सकते हैं। 50 वोट आप दें और अपने पसंदीदा शुएब इब्राहिम को विनर बनाए। आपसे ज्यादा चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।